ब्योमकेश बख्शी और इन सब से जुड़ा एक नाम रजित कपूर। रजित कपूर आज हमारे साथ हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सीजन 5 में। रजित, आपका बहुत स्वागत है जयपुर में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारी गुलाबी नगरी का मौसम अभी बहुत गुलाबी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आके? बड़ा अच्छा लग रहा है। प्लेन से उतरते ही उन्होंने कहा 16 डिग्रीज है, मैंने कहा वाह, ठंडक ही ठंडक। बिल्कुल, गुलाबी शहर है, गुलाबी मौसम है और अभी फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है हमारे शहर में, बहुत सारे फेस्टिवल्स। आपने इस फेस्टिवल से जयपुर में 4 चांद लगा दिए जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि कुछ क्यूरियोसिटीज मेरी हैं, मैंने आपको बचपन से पर्दे पर देखा है, तो आपका सबसे पहला अनुभव पर्दे का या थिएटर का कब रहा? मुझे अब भी याद है, 6 साल की उम्र में मैंने किंग ऑफ हार्ट्स का जो किरदार निभाया था, उसकी छवि, उसकी एक फोटो भी कहीं है मेरे पास, लेकिन वो कुछ पल याद हैं उसके। दैट्स एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर। तो हम क्या याद है, वो एक्सपीरियंस अच्छा था या वो डर वाला? याद है, सर पर एक कागज का सुनहरा मुकुट पहने हुए और जो एक छोटी सी लड़की थी जो रानी का किरदार निभा रही थी, तो मैं उसे यूं इशारा करते हुए कह रहा था कि ये मेरी रानी है। इतना याद है। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था ये। उसके बाद अगर हम स्कूल की बात करें तो स्टूडेंट के तौर पे आप कैसे थे, क्योंकि जब एक कलाकार मन में बस जाता है तो किताबी ज्ञान उतना सुहाता नहीं है। आई थिंक विद्यार्थी स्टूडेंट के नाते जो इमेजेस मेरे दिमाग में है वो ऐसा है कि बच्चा जो एक खिलौने की तरह होता है ना, कि चाबी मारो तो कहीं भी शुरू हो जाए, शायद मैं वैसा था कि बस इसको चाबी मारने की ज़रूरत है तो ये नाचना गाना बोलना कुछ भी शुरू कर देता है। और बचपन में ही कुछ हद तक कैमरा या टेलीविज़न का अनुभव हुआ था, क्योंकि जब मैं 6th-6ठी में था तो एक प्रोग्राम खेल खिलौने आता था टेलीविज़न पर, जो मंजू जी, शायद मंजू सिंह शी वॉज, वो निर्देशक थी और उसकी होस्ट थी, और हमारे जो हिंदी के प्रोफेसर थे मिस्टर डायस, उन्होंने एक दो कहानियाँ बच्चों के लिए टेलीविज़न दूरदर्शन के लिए लिखी थी। तो 2 बार ऐसा मौका मिला था। सबसे पहला था जो ईसा मसीहा पर, क्रिसमस पर, ईसा मसीहा के जन्म पर एक प्रोग्राम था जहाँ हम लोग ने कुछ तैयार किया था बच्चों के साथ, और फिर एक दूसरा नाटक था 2 साल के बाद, वो भी मेरे ख्याल टेलीविज़न या खेल खिलौने पर था, डॉक्टर मोहम्मद पांडुरंग फर्नांडिस, इतना याद है मुझे। बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। और दूरदर्शन से ही जुड़ा जो व्योमकेश बख्शी, जहाँ से आपका नाम पहचाना जाने लगा, मतलब एक बच्चों के बीच में बहुत ही वो एक डिटेक्टिव जो इमेज आपकी आई, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे शुरू हुआ, कैसे वो चीज़ आपने अडॉप्ट की, उसके लिए कुछ तैयारियां पहले की या कैसे उस चीज़ की शुरुआत हुई? ये हुआ था 1991 में, बासु चैटर्जी जो इसके निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, 2 मिनट मुझसे बातें की, क्या मैंने देखा है आपका ये सीरियल युगांतर और मैं ये डिटेक्टिव सीरीज बना रहा हूँ, ये कहानियाँ बांग्ला से हिंदी में ट्रांसलेट की गई हैं, 33 कहानियाँ हैं, हम पहले शायद 12 करेंगे, बाकी उसके बाद, बट करनी सारी की सारी हैं, हम इनको तैयार करेंगे और 5 मिनट के अंदर बात नक्की होगी। उन्होंने अगले हफ्ते मुझे बुला के सारी कहानियाँ दे दी और कहा ये लो पढ़ो, इसमें कुछ अगर तुम्हें खोट लगे या कुछ चीज़ ठीक ना लगे तो मार्क आउट करके मुझसे डिस्कस कर लो और इनको समझो, याद कर लो। एंड इट हैपेंड क्वाइट सडनली। और उन्होंने कहा तुम्हारे असिस्टेंट का रोल करेंगे मिस्टर के रहना, जो कि बहुत मेरे सीनियर थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो मेरे सीनियर हैं, मेरा जूनियर प्ले कर रहे हैं, और वो उस समय थोड़ी बहुत उनके साथ मेरी जानकारी थी, तो मैंने कहा के भैया ये रोल ब्योमकेश का आपको करना चाहिए और आपको मेरा असिस्टेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा चुप रहो, काम अच्छा मिल रहा है, चुप करके करो, जो मिलता है करो, ये सब चीज़ें मत सोचो।
ये कुछ जो एहसास, जैसा अभी आपने बताया कि आपने उस चीज को सोचा कि मेरे सीनियर हैं और जूनियर का किरदार निभाएंगे, तो ये कुछ चीजें बहुत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो पहले सोची जाती थी, आजकल ये चीज नदारद है दुनिया से, क्या सोचते हैं आप? शायद सोच ही बदल गई है, जो हमारी सेंसिटिविटी है वो शायद बदल गई है, और शॉर्टकट का रास्ता अपनाना शायद ज्यादा लागू होने लगा है। इस बदलाव को आपने देखा है, आपने श्याम बेनेगल के साथ भी काम किया है और अभी हम आपको फिल्मों में देख रहे हैं, राजी में हमने आपको देखा, तो एक बदलते हुए दौर का सिनेमा आपने देखा है, बदलते हुए लोगों के साथ काम किया है, कैसे उस बदलाव को आप अपने अंदर उतार पाते हैं? कभी आपको इमोशनली इम्बेलेंस होता है या एक चलते रहिए के हिसाब से आप काम करते हैं? आई थिंक हर चीज का एक मिश्रण है। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ी है पिछले 10 सालों में, तो वो हम फिल्मों में देख पाए हैं। टुडे आर वर्क इन टर्म्स ऑफ टेक्निक इज इनकम्पेरेबल टू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अब पिछले जो 4-5 सालों में जो नई कहानियों को प्रदर्शन करने का मौका मिला है नए निर्देशकों को, ये बड़ा अच्छा समय है, खास करके कहानियों के लिए, कंटेंट के लिए, बिकॉज हमारे जैसे देश में तो कहानियों की कमी नहीं है, बेशुमार है, एक खजाना है जो मेरे हिसाब से अब तक किसी ने लूटा ही नहीं। हर किरदार अपनी साथ एक कहानी लेकर चलता है यहाँ, और हमारे यहाँ तो मतलब अनगिनत है, आप जितना खुरेदेंगे जितना खोदेंगे उतनी और निकलती जाएंगी। जहाँ तक के दृष्टिकोण का सवाल है, आई थिंक 25 साल पहले जो अभिनय या अभिनेता की जो डिमांड थी वो शायद सप्लाई से कहीं ज़्यादा थी। आज जो बदलाव है वो ये है कि सप्लाई जो है 10 या 100 गुना ज़्यादा है। तभी तो आप किसी को अगर कहते थे कि भाई अभिनेता बनना है तो शायद 2 थप्पड़ मार दिए जाते थे कि नीचा देखा जाता था। आज माँ बाप खुद कहते कि मेरा बेटा मेरी बेटी है एक्ट्रेस बनना चाहती है, बड़े गर्व के साथ। ये बात नहीं थी, हमें तो टोका गया था और टोका जाता था कि ये क्या फतूर है, एक्टर बनना है, दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं, सर फिरा है इसके, ठीक करो इसे। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है जी यंग जनरेशन पे, क्योंकि हम यूथ जो हम देखते हैं कि बहुत एक्टिवली आर्टिस्टिक फील्ड में आना चाहता है, शॉर्ट फिल्म्स का ज़माना है, मोबाइल फिल्म्स का ज़माना है, तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट साथ चलते हैं किसी भी चीज़ की। बिल्कुल। आपका क्या नज़रिया है, किस तरह से यंग जनरेशन इस चीज़ को अडॉप्ट करके और एक आगे बढ़ना जिस वे में उनको चाहिए? तो मुझे डर इस बात का है कि मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी शायद इस सोशल मीडिया के चक्कर में दबी जाएगी कुछ हद तक। जब मैं दबी जाने की बात कह रहा हूँ तो जो 1-to-1 जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट है वो मुझे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ऐसा लग रहा है। हम किसी से अगर बात करना चाहते तो अब बात नहीं करते, मैसेज भेज देते हैं। मतलब एडवांटेजेस भी हैं, आप देश के किसी कोने में बैठे हुए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, बातचीत के अलावा पूरे डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकते हैं जो कि पहले मुनासिब नहीं था, पॉसिबल नहीं था। वो अपने आप में एक चीज़ है, द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट एक आम ह्यूमन लेवल पर अगर आप देखें तो घर के 4-5 सदस्य आज घर पे एक साथ बैठे हुए हर एक अपने फ़ोन में लगा हुआ है, तो ये जो क्या कहते हैं इसे, जो फ़ोन का असर है या दबाव है, जो फ़ोन की हुकूमत है जी, वर्चुअल दुनिया में ये मुझे डरा देती है कभी कभी। और जो ये फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, तो आजकल हर स्टेट अपना एक फेस्टिवल डेवलप करने की कोशिश करता है। स्टेट नहीं, अब छोटे छोटे शहर भी अपना फेस्टिवल डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ हाँ मतलब तो उनके पीछे का कारण, जैसे अगर मैं अपने फेस्टिवल राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ, तो ये सोच हमने जो शुरुआत की थी इसी सोच के साथ शुरू हुए थे कि फिल्में हमारे समाज का आईना रही हैं। जी, पुराने दौर से हम देखें कुरीतियों को हाईलाइट
किया जाता था, पर्दा प्रथा हुआ, दहेज प्रथा हुआ जी, धीरे धीरे इस चीज में बदलाव हुए, थ्री इडियट्स जैसी फिल्में आई, यंग जनरेशन को ये बुद्धि देने की कोशिश की गई कि काबिलियत होनी चाहिए आप में तो कामयाबी आपके पीछे आएगी। तो इस थॉट को लेकर हमने काम शुरू किया कि हम ऐसी फिल्में पर्दे पर लाएं जो हमारे समाज में एक परिवर्तन बने जी। तो हर फेस्टिवल ग्लोबल सिनेमा लेकर आता है जी, क्योंकि इमोशंस तो वही होते हैं जी, बिल्कुल, सिर्फ भाषा की अभिव्यक्ति बदल जाती जी। तो आपका किन फेस्टिवल से जुड़ाव रहा है, आप भी फेस्टिवल्स में विजिट करते हैं, किस तरह की चीज़ें आप वहाँ देखते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स उन फेस्टिवल्स में होने चाहिए? आना जाना तो मेरा कई फेस्टिवल्स में रहता ही है। जो बदलाव मैं देख पाया हूँ दैट जो यूथ है, जो युवा युवती हैं, वो ज़्यादा जाने लगे हैं इन फेस्टिवल्स में। आप ये नहीं देखते कि 30-35-40 साल की अधेड़ उम्र का बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, 20-25 साल का लड़का या लड़की वहाँ पे बैठी हुई है, डॉक्यूमेंट्रीज देख रही हैं, सीखने की चाह उन्हें खींच लाती है ऐसे फेस्टिवल्स में। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। दूसरा मैंने देखा है कि महिलाओं की तादाद इंक्रीज होती जा रही है। आप पहले आप उस ऑडिटोरियम में जाते थे तो सिर्फ लड़के या मर्द दिखते थे, अब अच्छा लगता है कभी कभी जाके देख कर कि 80% तो लेडीज़ बैठी हुई हैं या लड़कियाँ बैठी हुई हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन एंड अ टोटल चेंज, क्योंकि वही रिफ्लेक्शन है कि हम जी बदलना चाहते हैं। और ये मैंने अभी हाल ही में कश्मीर में भी देखा है। कश्मीर ने पहली बार फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है 1.5 साल पहले, और ये बदलाव मैंने वहाँ पर ही देखा है। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आई सेड माई गॉड 75% ऑफ देम आर गर्ल्स, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। और सवाल जवाब लड़कियाँ कर रही थी, लड़के नहीं। जो क्यूरियोसिटी थी, जो भी उनकी शंकाएँ थी, लड़कियाँ सवाल जवाब कर रही थी, लड़के तो चुप बैठे थे। क्योंकि हम भी अपने फेस्टिवल के माध्यम से यही यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि सिर्फ पर्दे के आगे सिनेमा नहीं है, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी टेक्निकल स्टडीज ऐसी हैं जो सिनेमा को बनाने में बहुत मददगार होती हैं, और वो सॉलिड होनी चाहिए। और ये सवाल जवाब जो मैं कह रहा था, ये सिर्फ एक्टिंग को लेके नहीं थे, स्क्रीन प्ले, कैमरा, टेक्निक या डायलॉग, तो इस तरह के सवाल जवाब थे। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, लिरिक्स राइटिंग की अगर हम बात करें, गानों की बात करें, संगीत की बात करें, तो वो मिठास धीरे धीरे हमें लगता है कि इंडस्ट्री से चली गई है, ना वो शब्द है ना वो संगीत है। वो चीज़ें हम चाहते हैं वापस आएं, मुझे नहीं पता आएंगी या नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। और एज एन आर्टिस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सपने हम हर दिन देखते हैं, कोई सपना आपका जो आपको लगता है कि अभी भी अधूरा है? ये अगर सपना अधूरा है तो आई डोंट थिंक, ऐसे तो बहुत सारे सपने अधूरे हैं, बट नॉट रियली एज अ फिल्म पर्सन। मुझे लगता है कि हमारे देश के इतने कोने हैं, इतने हिस्से हैं कि अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने अपना देश देखा नहीं। तो मेरी हमेशा चाह यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई जगहें अपने ही देश में देखता रहूँ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, यही कहा जाता है कि अगर जिंदगी सीखना चाहते हो तो घूमने निकल जाओ। कभी कभी अपने अंदर जाना पड़ता है समझने के लिए। नए डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स, कुछ सिनेमा में बदलाव आए हैं पिछले 3-4 सालों में, क्योंकि अभी पिछले साल की ही अगर हम बात करें तो बड़ी फिल्में जो नहीं चली हैं, लेकिन छोटी फिल्में जो कम बजट की फिल्में हैं और लो प्रोफाइल की फिल्में हैं, उनका मार्केट ज़्यादा रहा जी। तो इस चेंज ऑफ सिनेरियो को सिनेमा में किस, आपका क्या मानना है, कैसे देखते हैं आप? अच्छी बात है, बिकॉज जो ये फिल्में अगर ये सक्सेसफुल हुई हैं तो उनके पीछे लगाव और एक ऑनेस्टी भी है। वो अगर नई कहानी लेकर अच्छी ढंग से पेश कर सके हैं तो वो फिल्म चलेगी। जितना प्यार और जितनी सिंचाई आपने उस कहानी को, उस कंटेंट को, स्क्रीन प्ले को दिया होगा, वही छलकेगा। आपने कभी आजमाया आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं कि कुछ
कहानी के तौर पे सिनेमा में आए या सीरियल कोई बने, ये भी एक आई एम श्योर के एक आर्टिस्ट का जो हर दिन जो एक ख्वाब चलते हैं, तो ये भी एक ख्वाब। हाँ, स्कूल में कॉलेज में तो काफ़ी लिखता था, और उसके बाद जब मैंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी तब कई कहानियों का निर्देशन और कहानियों की लेखनी में मेरा हाथ रहा है। अभी भी किसी को ज़रूरत हो तो स्क्रीन प्ले की डॉक्टरिंग करना है, उसे पढ़ के सुझाव देना वगैरह मुझे अच्छा लगता है। हाँ, सोचा है कभी अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखूंगा अब, लेकिन वो शायद वो जो चिंगारी है उसकी आग अभी तक धधकी नहीं। हवा देना बाकी है। हवा देनी बाकी है। पोएट्रीज भी लिखते हैं आप? लिखता था, अरसा हो गया है कुछ लिखा नहीं। कॉलेज में लिखता था, उसके बाद शायद पता नहीं अब ये लिखना भी पता नहीं रह जाएगा ये मोबाइल की वजह से, याद करना पड़ेगा। पर ये सब 25-30 साल पहले की है, थोड़ा बचकना है इनमें। जमीन पे फूल बिखरे हैं, इन्हें ना तुम कुचल देना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, गिरे तो तुम उठा लेना। ये बचकाना नहीं है, ये बड़ी शिद्दत से महसूस किया हुआ जज्बात लगता है। थैंक यू सो मच रजत, आप हमारे फेस्टिवल में हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आपके जैसा आर्टिस्ट, आपके जैसा बड़ा कलाकार अगर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में है, यहाँ की यूथ यंग जनरेशन आपसे अभी इंटरेक्ट करेगी। 3:00 बजे जो हमारा टॉक शो होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। तो थैंक यू सो मच।